नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आजकल एक बीमारी चली है, डेंगू। ये कोई बड़ी खतरनाक बीमारी नहीं है, घबराने की इससे कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें तो आपको कुछ नहीं हो सकता। कोशिश कीजिए कि जो खेतों में बकरियां चरती है, क्योंकि सब जीव हमारी रक्षा के लिए, लेकिन हम उनकी कदर नहीं करते। जो बकरियां खेतों में चरती है, बकरी गौठ जो खेतों में चरती है, आप उनका दूध पीजिए, क्योंकि डेंगू के कारण बॉडी के जो प्लेटलेट सेल्स हैं वो डाउन हो जाते हैं। तो उसके कारण अगर ज़्यादा डाउन हो जाए तो आदमी की मौत भी हो सकती है, लेकिन अगर हम ध्यान दें तो कुछ भी नहीं होता। तो आप रोज़ पाइयामीन 250 ग्राम से आधा किलो, या 100 ग्राम से लेके 250 ग्राम, मतलब एक गिलास दूध आप रोज़ पीना शुरू कर दीजिए। एक पपीता जो फल आता है उसको आप रोज़ खाइए। दो आसान, तीसरा जैसे अभी पालक शुरू हो जाएगी, हरी सब्जियां ज़रूर खाइए, रोज़ अपने खाने में लीजिए। और तीसरा, तुलसी के 10 या 15 पत्ते। तुलसी के अंदर, तुलसी तो माँ है, तुलसी के अंदर जो है बहुत सारे गुण हैं। तुलसी के 10 या 15 पत्ते उसकी चटनी बना लीजिए, उसमें थोड़ी सी 10 या 15 काली मिर्च डाल लीजिए, थोड़ा सा सेंधा नमक डाल लीजिए, थोड़ी सी अदरक डाल लीजिए, और उसको अच्छी तरह डोरी सोटे के द्वारा रगड़ करके, चटनी बना करके, उसको एक गिलास पानी के अंदर अच्छी तरह गर्म कीजिए, पूरा उबालिए। और पानी जब आधा गिलास मीन काढ़ा तैयार हो जाए, उसमें थोड़ा सा गुड़ जरूर मिलाना है। गुड़ बहुत बहुत ही औषधीय है, तो गुड़ मिला लीजिए, और वो काढ़ा जो है आप 24 घंटे में एक बार पीजिए, आपको कभी डेंगू आपके आसपास ही नहीं आएगा। तो ये छोटे छोटे प्रयोग है, आप अपने घर में कर सकते हैं। और दूसरा, कोशिश कीजिए कि सुबह 5 बजे से पहले उठ करके थोड़ी देर आप योग, प्राणायाम, एक्सरसाइज जरूर कीजिए। तो ये आपके लिए डेंगू का उपाय है, तो आप इसका प्रयोग कीजिए, आज से शुरू कर दीजिए, ताकि बीमारी हमारे ऊपर हावी ना हो। और इस फार्मूले का आप लाभ लीजिए। आप सबके लिए हमारी यही दुआएं हैं कि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, आनंदित रहें। और हमारा ये जो चैनल है जगदीश मुनि रेखी के नाम से, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको स्वास्थ्य संबंधी और अपने आपके जीवन संबंधी जो अद्भुत जानकारियां हैं वो हम आपको भेजते रहें। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया है उन सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद। आपका सबका भला हो, आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार, प्रणाम।